चार राइडिंग मोड मिलते हैं, रोड स्पोर्ट रेन ऑफ रोड। बजाज कंपनी ने अपनी सबसे हैवी और प्रीमियम बाइक लॉन्च कर दी है जो कि अभी अपने साथ में है, जिसका नाम है बजाज पल्सर NS 400Z। कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स दिए हैं और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, और क्या कुछ कंपनी ने इसमें नया दिया आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया स्वागत करती हूं आप सभी का टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में टोटल चार कलर मिलते हैं जिसमें से व्हाइट कलर इसका अभी अपने साथ में है। बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 174 kg, सीट हाइट है 805 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 168 mm का। ये इस बाइक को चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस बाइक का लेफ्ट लुक। फ्रंट से इस बाइक का लुक कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। फ्रंट में कंपनी ने DRLs दिए हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स दिए हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, LED में ब्लिंकर्स दिए हैं। पहली बार बजाज कंपनी ने अपनी किसी भी बाइक में हजार लाइट का फीचर दिया है। हेडलाइट दिखाती हूँ। क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं जो कि 5 स्टेप हैं। हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। काफ़ी मस्कुलर इसका टैंक मिलता है। पल्सर की 3D में वेजिंग मिलती है। NS को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर ग्राफिक्स दिए गए हैं। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जिसमें E20 का सपोर्ट भी मिलता है। टैंक पैड यहाँ पर दिया गया है। इस बाइक में सिंगल हैंडल बार मिलता है। आइए इसके सभी फीचर्स बटन देख लेते हैं। यहाँ पर हेडलाइट को सेट करने के लिए स्विच, नेविगेशन के लिए स्विच, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, हजार्ड लाइट, इंजन ऑन ऑफ करने के लिए, हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए। इस बाइक में की कुछ ऐसी मिलती है, वेप की मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। चार्जिंग के लिए USB A पोर्ट मिलता है। टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, चार राइडिंग मोड मिलते हैं, रोड स्पोर्ट रेन ऑफ रोड और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की। इसमें USD सस्पेंशन मिलते हैं जो कि गोल्डन कलर में है। इस बाइक में 17 inches के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट में MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है। फ्रंट टायर साइज है 110/70/17। इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम 320 mm का मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आइए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसमें कंपनी ने 373.27 cc का लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve इंजन दिया है जो कि सिंगल सिलेंडर BS6 Phase 2 वाला है। इस बाइक के इंजन की मैक्सिमम पावर है 40 PS 8,800 RPM पर और इस बाइक की मैक्सिमम टॉर्क है 35 Nm 6,500 RPM पर। इस बाइक में टोटल 6 गियर्स मिलते हैं। इंजन गार्ड भी लगा कर दिया है। 400 को यहाँ पर मेंशन किया है। फेस गार्ड मिलता है। इसकी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है। सिंगल फैन लगा कर दिया है। इस बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है। राइडर फुट पैड ऑटो अनफोल्ड मिलता है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। इस बाइक में सेंटर स्टैंड अभी तो नहीं मिलता है लेकिन शायद आप लगवा सकते हैं। स्प्लिट सीट ऑफर की गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी। ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ ऐसा है। यहाँ पर NS 400Z को मेंशन किया गया है। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साड़ी गार्ड दिया गया है। बॉक्सी पैटर्न पे स्विंग आर्म मिलता है। नेकेड चैन सेट मिलता है। रियर में भी MRF कंपनी का टायर मिलता है जिसका साइज़ है 140/70R17। रियर में रेडियल टायर मिलता है। टायर हगर भी मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रियर से इस बाइक का लुक कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। आगे की तरह ही टेल लाइट LED में मिलती है, ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इस बाइक में अंडरवैली एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि NS सीरीज में आता ही है। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर इस बाइक में नहीं मिलता है। इस बाइक का डिटेल वॉक अराउंड कर लिया है। अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इस बाइक का साउंड कैसा है।
आइडल कंडीशन पर साउंड इसका कुछ ऐसा है। एग्जॉस्ट नोट सुनिए। आरपीएम इस बाइक का डिटेल वॉक अराउंड कर लिया है। अब इस बाइक के प्राइस, माइलेज और वारंटी की बात कर लेते। इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस है 1,85,000 जो कि लिमिटेड टाइम के लिए रखी गई है। एक्स शोरूम 1,85,000 है जो कि ऑन रोड आते आते आपको पड़ेगी 2,20,000 के आसपास। इस बाइक को आपसे 5,000 रुपये देकर बुक कर सकते हैं। बात कर लें इस बाइक की वारंटी की। इस बाइक में 5 साल और 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। बात करें अगर माइलेज की तो आप 30 के आसपास का माइलेज इस बाइक से निकाल सकते हैं। बात कर लें इस बाइक के वेरिएंट की तो इस बाइक में कंपनी ने केवल एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि अभी अपने साथ में है। ये बाइक परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक है तो जल्दी ही इस बाइक की राइड की वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप इस बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।